2019 की एवेंजर्स एंड गेम के 6 साल के लंबे गैप के बाद हमें 2025 में अगली एवेंजर्स मूवी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी देखने को मिलेगी। अब पहले तो मार्वल वालों ने सीक्रेट वॉर्स को भी इसी साल में प्लान किया था, बट थोड़ी बहुत डिलेस की वजह से अब सीक्रेट वॉर्स हमें 2026 के अंदर देखने को मिलेगी। खैर, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं सीक्रेट वॉर्स और कैंग डायनेस्टी के बेसिक प्लॉट के बारे में, क्या हो सकती है मोस्ट पॉसिबल स्टोरी इन दोनों मूवीज के अंदर, एंड साथ ही साथ जानेंगे कि कैंग का मास्टर प्लान क्या है कैंग डायनेस्टी मूवी के लिए। अब ये बात तो हम सबको पता है कि ही हू रिमेन्स ने ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को प्लान किया था, मतलब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक एक इवेंट जो भी हुए हैं वो सब ही हू रिमेन्स की प्लानिंग का नतीजा है। बट सिल्वी ने जब उसे लोकी सीजन 1 के अंदर मार दिया तो फिर वो मार्वल का आइजन कैसे हुआ? क्योंकि मैंने अभी जस्ट कहा कि आइजन ने अपने एनिमे के अंदर सारी चीजों को प्लान कर रखा था, लेकिन ही हू रिमेन्स तो मर गया और उसके बाद भी बहुत सारी मूवीज और इवेंट्स हो रहे हैं। तो व्हाट इफ मैं ये कहूं कि ही हू रिमेन्स की डेथ भी उसके प्लान का एक पार्ट था और अभी हम लोग सिर्फ उसके प्लान का एक छोटा सा हिस्सा देख पा रहे हैं और उसका एक बिगर पार्ट अभी भी रिवील होना बाकी है। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है ना कि भाई ही हू रिमेंस अपनी डेथ प्लान क्यों करेगा? अब इसका एक मोस्ट पॉसिबल आंसर हो सकता है वांडा मैक्सिमॉफ, यानी कि स्कारलेट विच। एक्चुअली वे वांडा एक नेक्सस बीइंग है जो कि प्रोबेबिलिटी को चेंज कर सकती है। वही उसके सामने है कैंग द कॉन्करर जो कि हर एक पॉसिबिलिटी पर अपना कंट्रोल पाना चाहता है। तो कैंग को कहीं ना कहीं ये बात पता थी कि अगर उसका सामना कभी स्कारलेट विच से हुआ तो उसका हारना तय है, और शायद वांडा की वजह से ही हू रिमेंस ने अपनी डेथ प्लान की। अकॉर्डिंग टू माय थ्योरी, ही हू रिमेंस ने अपनी डेथ प्लान की सिल्वी की हाथों ताकि मल्टीवर्स ब्रेकआउट हो सके, और मल्टीवर्स ब्रेकआउट हुआ तो अल्टरनेट टाइमलाइंस और अल्टरनेट वेरिएंट्स भी आने लगे। अल्टीमेटली कैंग के भी बहुत सारे वेरिएंट्स अब आ चुके हैं, और जब इतने सारे कैंग के वेरिएंट्स हैं तो किसी न किसी वेरिएंट का स्कारलेट विच के साथ सामना होगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली उसके प्लान में यही था कि कोई ना कोई उसका वेरिएंट स्कारलेट विच को डिफीट कर देगा। एंड जब कैंग डायनेस्टी के अंदर अल्टीमेटली सारे कैंग्स वापस से रीइनकार्नेट होंगे, तब रवोना रेंसलेयर जो कि हमें लोकी सीजन 1 के अंदर देखने को मिली थी, वो वापस से ही हू रिमेंस को रिक्रूट करेगी और उसका मास्टर प्लान उसे वापस से याद दिलाएगी। और ये चीज ज्यादा सेंस भी बनाती है क्योंकि सीजन 1 के बाद रवोना रेंसलेयर कहां गई वो किसी को भी पता नहीं है। एंड अपने मास्टर प्लान के वापस से याद आने के बाद और स्कारलेट विच के रास्ते से हट जाने के बाद ही हू रिमेंस अपने सारे वेरिएंट्स को अपने रास्ते से हटा के एक सेक्रेट टाइमलाइन वापस से बना देगा। अब देखा जाए तो अगर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हमें मूवी के अंदर देखने को मिलेगा ना, तो एक फेस का नहीं बल्कि पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स के एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा। सुनने में ही कितना फैसिनेटिंग लगता है कि एक बंदा अपनी डेथ प्लान करता है ताकि अल्टीमेटली वो जीत जाए। हालांकि ये थ्योरी और भी ज्यादा प्रॉमिसिंग तब लगती है जब तुम लोकी सीजन 2 के लीक्स को देखोगे। तो रिसेंटली लोकी सीजन 2 के कुछ लीक्स आए थे जहां पे हमें ये पता चला है कि शायद सिल्वी की एक ओल्डर वेरिएंट हमें लोकी सीजन 2 के अंदर देखने को मिलेगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली कैंग लोकी सीजन 2 का मेन विलन नहीं होगा, वो एक साइड विलन का रोल प्ले कर सकता है, एंड मेन विलन होगी सिल्वी की एक ओल्डर वेरिएंट। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सिल्वी की वो ओल्डर वेरिएंट है जो कि ही हू रिमेंस को मारने के बाद की दुनिया देख के आई है। मतलब ही हू रिमेंस को जब सिल्वी ने मारा और वो जब आगे अपनी लाइफ जीती है तो उसे पता चलता है कि भाई चीजें और बदतर होती जा रही हैं। ही हू रिमेंस ने उसके हाथ से अपनी डेथ प्लान करवाई ताकि वो मल्टीवर्स पर कंट्रोल पा सके अपने सारे वेरिएंट्स और स्कारलेट विच को रास्ते से हटाने के बाद, एंड दैट्स व्हाई सिल्वी की ओल्डर वेरिएंट वापस से आएगी लोकी सीजन 2 के टाइमलाइन में लोकी और सिल्वी को रोकने के लिए। अब ये बात तो हम सभी को पता है कि मार्वल के मल्टीवर्स सागा का मेन विलन जो है वो कैंग द कॉन्करर होने वाला है, तो हो सकता है कैंग डायनेस्टी मूवी के एंडिंग में या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में ही हू रिमेंस जो है वो अपने सारे वेरिएंट्स को वाइप आउट कर दे या फिर अपने रास्ते से हटा दे, एंड जब वो वापस से अपना कंट्रोल मल्टीवर्स के ऊपर जमाएगा तब हमें सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स देखने को मिलेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली ओल्डर सिल्वी ने भी यही सीक्रेट वॉर के इवेंट्स अपने टाइमलाइन के अंदर देखे थे और वो उसे ही रोकने के लिए वापस से लोकी सीजन 2 के इवेंट्स में आती है, बट शायद वो नाकामयाब होगी, तभी हमें कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स जैसे इवेंट देखने को मिलेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। तो देखा जाए तो थ्योरी काफी ज्यादा वाइड है लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग भी लगती है, और इसके डॉट्स बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी से। बाकी आप लोगों को ये थ्योरी कैसी लगती है आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आया हो, थ्योरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बाकी ऐसे ही इंटरेस्टिंग थ्योरीज और मजेदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।